हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम दिखाएंगे रीसेट काउंटर का यूज़। ठीक है, यानी कि एक बार एक प्रोसेस करने के बाद उसको रीसेट करके जीरो करके फिर दोबारा वो प्रोसेस शुरू करने के लिए काउंटर में क्या किया जाता है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या किए, ऑन ऑफ पुश बटन लिए, फिर एक काउंटर लिए, फिर काउंटर का डाउन बीट लेके एक आउटपुट लिए। ठीक है, आप क्या किए, एक रीसेट स्विच लिए, जो क्या होगा, एक रीसेट काउंटर लिए इसी एड्रेस का, जो आपका जो एक नॉर्मल काउंटर है उसी एड्रेस का। देखिए C5.0 उसी एड्रेस का एक रीसेट काउंटर लिए है, जो ये प्रोसेस को पूरा जीरो कर देगा, फिर अपने आप फिर से शुरू होगा। तो देखिए ये आते देखिए प्रीसेट वैल्यू काउंटर का 2 की है, यानी कि 2 पल्स जाने के बाद ये आउटपुट को ऑन कर देगा। ठीक है, तो करते हैं एक पल्स, दो पल्स ऑन कर दिया। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस पूरा, ये जो एक्यूमुलेशन है ना, स्टेटस, ये पूरा जीरो हो जाए, फिर से ये दो पल्स देके शुरू करेंगे आउटपुट को। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए रीसेट जो हम लोग एक स्विच लिए, जब भी रीसेट स्विच को ऑन करेंगे तभी देखिएगा ये जो एक्यूमुलेशन 2 है ना, ये जीरो कर देगा। देखिए जीरो हो गया। अब क्या हम फिर से प्रोसेस को, वही प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं। ये देखिए एक पल्स होगा, देखिए 2 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, फिर ऐसे अगर शुरू से शुरू करना चाहते हैं तो क्या होगा, वो रिसेट स्विच को ऑन कीजिए, 0 हो गया, फिर से शुरू कीजिए उसे। तो ऐसे ही रिसेट काउंटर यूज किया जाता है आपको काउंटर को रिसेट करने के लिए, शुरू से जो प्रोसेस हम लोग चला रहे हैं वो प्रोसेस में जाने के लिए। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जो रीसेट काउंटर का जो एड्रेसिंग होगा वो आपका जो नॉर्मल काउंटर है उसका एड्रेसिंग सेम होगा। ठीक है, उसी का रीसेट काउंटर लेना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर ये जो है ना टाइमर काउंटर, ये देखिए RES जो है ना, यही रीसेट काउंटर है, ये देखिए RES। ठीक है, और ये आपका CTU है ना, ये काउंटर ऑफ है, तो ये दोनों लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया। थैंक यू।